127वें नंबर पर जब जाटोपुरी धोबी कटी वाल्मीकि अहिल्या बैदिया कंजर माधु सांसी लिखा गया है तो 27वें नंबर पर धनगर लिखा गया है। अब आप बताओ कि हम लोग धनगर होते हैं या उत्तर प्रदेश में रहने वाली कोई दूसरी जात धनगर होती है? पुरखों ने थोड़ी सी गलती कर दी, पुरखों ने थोड़ी सी गलती करी। उस समय था उत्तम खेती मध्यम बांध अधम चाकरी भीगदान। चाइना के युद्ध के समय एक फौज की टुकड़ी आई बाजार में से, मेरे बड़े भाई को पकड़ के फौज में भर्ती कर लिया। पूरे गांव ने उन्होंने शोर मचाया, पूरे गांव ने छुड़ाया। आज उन्हीं का नाती फौज में भर्ती होने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उस समय हमारे लोगों ने, जैसे बाकी लोगों ने प्रमाण के दौरान हमने ओबीसी का ले लिया, पाल का ले लिया, बगैर का ले लिया, हम ओबीसी की सीट पर लगे, हम बीडीसी बन गए, जिला पंचायत सदस्य बन गए। 10 साल बाद यह ज्ञान प्राप्त हुआ आप इसलिए थोड़ी सी, लेकिन इस आप चाहें तो इस संवैधानिक दूरी को खत्म कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री का आभार मेरी तरफ से प्रकट कर दीजिएगा कि दिल्ली की तरफ से एक पूर्वसी के अध्यक्ष ने एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ किया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मिला, माननीय अमित शाह जी से मिला, उन्होंने उस संवैधानिक संकट को दूर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कुछ जियो किए हैं, लेकिन अदम पैरवी में हम लोग जो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ही केवलिस्ट मूवमेंट को चलाते हैं, वो इलाहाबाद नहीं गया और वो जियो के सारे इष्टे हो गए। इसलिए जियो जी सुनने के लिए आए हैं, मैं उसी पे बात करना चाहूँगा कि 21 अक्टूबर को अपनी ही सरकार ने एक जियो किया है कि अंग्रेजी में सर्टिफिकेट बनने चाहिए। अब 30 सितंबर पिछले को माननीय हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है कि DHL GR अंग्रेजी में धनगर प्रमाण पत्र दिए जाए। मैं चाहता हूँ अध्यक्ष जी को कि हाईकोर्ट का सीधा सीधा वाला आदेश आप देने का कष्ट करें और इसी के साथ आपको प्रमुख सचिव समाज कल्याण को बुला करके और ये कहें कि आप माननीय अदालत का आदेश का अनुपालन। आपकी बात को मैंने समाज के सेवक के नाते उचित मंच पर, संगठन ही सर्वोपरि है, इसलिए उचित मंच पर मैंने कहने का काम किया। लेकिन ब्रदर, आगे बढ़ने का तरीका केवल, अब ये देखो कि हमारे आधुनिक अहिल्या बाई होलकरों का क्या हो रहा है, आधुनिक मल्हार रावों के क्या हाल हैं, आधुनिक खांडे राव के क्या हाल हैं। 403 सीटों पर आप निवास करते हैं, अध्यक्ष जी चाहें तो सर्वे भी करा सकते हैं, और ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर रिमोट आपके हाथ में हो तो आप ही फैसला तय करते हैं। इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूँगा, मैं 61 साल का हो गया हूँ, ये रिले रेस है। अध्यक्ष जी हम भी 6 कार्यकाल पूरे कर चुके, 6/6वां कार्यकाल है, 300 सदन हो गए हैं, दोनों जगह आपने मंत्री बना दिया है, ये एक रिले रेस है। मैं लगभग दौड़ चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। एसपी सिंह बघेल, राजा राम पाल, भागवत पाल, अयोध्या पाल, पूजा पाल, राजीव पाल, मिथिलेश पाल, रामशंकर पाल, इसी के साथ हमारे अजीत पाल, इनके पिताजी पाल साहब, किशन लाल बघेल, सुंदर सिंह बघेल, मिथिलेश पाल, मुझे मत समझा भाई, मेरे इस श्रेणी में हम चाहते हैं कि 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी का विधायकों का गुलदस्ता बने तो इनमें से भी कुछ लोगों को, तो 10-20 फूल 10-5 फूल जो है वो हमारे बीच उसमें अंकित हो जाए। अच्छा गुलदस्ता अध्यक्ष जी वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल हो, और हमारा वाला जो फूल है ये बहुत सीमा वाला फूल है, बड़ा सच्चा वाला फूल है। कि सभी जातियाँ अच्छी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहा जाता है बेचारे पाल, बेचारे बगले, बेचारे धनगर, बहुत चीज़ हैं। हमारे बूढ़े लोग जब किसी का कर्जा ले लेते हैं और मरने वाले होते हैं तो हम अपने बच्चों को बुला के कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में नहीं पटा पाया लेकिन तुम इसको जरूर पटा देना। वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, जैसे भी जातियाँ हैं, अगर वो मर रहे होते हैं तो कह देते हैं मेरी आँख बंद हो जाए तो तू भी आँख बंद कर लेना, पैसा पटाने के लिए। समाज में कोई आलोचना नहीं होती है,
चश्मा नहीं लाया जी अब्दुल जी, बहुत सी चीजें जो है समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा आगरा फिरोजाबाद से प्रेरणा लूँ। मैं आपको प्रशंसा के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। 2 फरवरी 1993 को मैंने पुलिस छोड़ी, पुलिस में रहता और बेईमान होता तो जुए से, सट्टे से, शराब से, फाइनल रिपोर्ट से, चार्जशीट से, बंदूक के लाइसेंस से, 302 हटाने से, जोड़ने से, जमानत लेने से, ना लेने से, 452 लगाने से, हटाने से, पैसा ही पैसा था। और उस पैसे की गारंटी 60 साल तक होती है अगर बहुत ज़्यादा आप बेईमान वो गाय ना काटते। लेकिन इन सब में लात मार के एक अज्ञात भविष्य के लिए मैं राजनीति में आया था। और वो क्यों आया था कि 41 साल से कोई विधायक नहीं हुआ था, 39 साल से कोई एमपी नहीं हुआ था। तो ये मैं आज थोड़ा सिद्ध 2 बातें करना चाहूँगा कि आप सब माफ करना, 2-4 लोग होंगे सदर में जो अपने बच्चे को सिपाही नहीं बनाना चाहते हैं। मैं 82 के बैच का थानेदार था, टॉपर था, और वहाँ गारंटी है 60 साल की। इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता है कि भविष्य में वो प्रधान बन जाएगा। और अभय जी आप तमाम कार्यकर्ताओं को जानते हैं जिन्होंने कुंतलों कलप लगा मारा है, लेकिन आज तक वो टिकट नहीं पाई है, टिकट पाई है तो जीत नहीं पाए हैं, कहीं जमानत नहीं जी पाए हैं और लगातार राजनीति कर रहे हैं। मैं तो एक अज्ञात भविष्य के लिए केवल आपकी वजह से नो रिस्क नो हाई रिस्क हाई गेन मैंने रिस्क दी। वो 60 साल की गारंटी की तनख्वाहें, और अगर अपन तो बेईमान था ही नहीं वरना छोड़ ही नहीं पाता, तो उसको छोड़ करके समाज के लिए आए थे। ये आपका सहयोग रहा, लोकसभा में चला गया, राज्यसभा में चला गया, विधानसभा में चला गया, आपने यहाँ मंत्री बना दिया, आपने वहाँ मंत्री बना दिया, ओबीसी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का मेरे को सहयोग मिला। लेकिन थोड़ी आगरा से सीखो, जब मैं 2 फरवरी को इसी शहर से इस्तीफा दे के अवध एक्सप्रेस में बैठ के आगरा गया था, मेरा जिला नहीं है वो, मैं फर्स्ट जनरेशन का राजनीतिक हूँ। मेरे आगरा कॉलेज आगरा में लेक्चर बन के गया था, 40,000 रुपये GPF के निकले थे, 35,000 की टूटी हुई जीप खरीदी थी, पत्नी को पार्लर खुलवाया कि 10-20 रुपये रोज मुझे डीजल के लिए चाहिए। लेकिन जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अपने क्षेत्र में ना गया हूँ। MP का फार्मूला आज आपको बताता हूँ, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जात आय प्रमाण पत्र और शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कब्बाली कुआ, पूजन एकादशी का व्रत का उद्यापन अभी। सुनने में कितना अच्छा रिदिम लगा है, करने में पसीने आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। ये मालाएं जो आपको देख रही है ना, कभी पैरों के छाले भी देख लिया करो, गले की मालाएं बहुत दिखती हैं, पत्ती भी बहुत दिखती हैं। मैंने बताया ना कि दोपहर में 26 साल से नहीं सोया, 3 टाइम का खाना अपने घर का कभी नहीं खाया। और जी जी, तो मैं कहता हूँ मैं और SP सिंह बघेल बनाने के लिए भाषण दे रहा हूँ। अगर एक मछली दे दोगे तो एक दिन खा लेंगे, मछली मारना सिखाओ जिससे जिंदगी भर खा सको। इसलिए मैं 27 दिन में अपनी लोकसभा में रहता हूँ, 2 दिन में UP में समाज के लिए जाता हूँ और 3rd दिन में हिंदुस्तान में समाज के लिए जाता हूँ। अजय भाई उनकर जयंती, वृद्धजन सम्मान समारोह, मेरिटोरियस बच्चों का सम्मेलन और सामूहिक, ऐसा मैं आपके लगभग सभी के जिलों में जा करके जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए बस समाप्त कर रहा हूँ थोड़ी आपकी यूपी में नहीं अशोक नगर। हाँ जी, अशोक नगर छेड़ दिया है तो गोहद, मेहकाऊपुर, अटेव, रोहन, अशोक नगर, ईसागढ़, बदरवास, कोलारस, नई सराय, पिछोर, आप वहाँ के इंचार्ज हैं, चोपुर कला, इसी के साथ दिल्ली, परसपुर, सेवड़ा, दतिया, मुरैना, ये सब उतनी ही मेरे लिए अच्छी लगती है जितनी आसमान को। मैं इस मंच से अगर धन्यवाद PM और CM का नहीं करूंगा तो कृतज्ञ कहलाऊंगा। तो हमारी जात की एक विशेषता है कि ये 2 बातें कभी नहीं भूलती है, एक अपमान नहीं भूलती है और एक एहसान नहीं भूलती है। जो अपमान किया है हम उसको भी नहीं भूल रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने एहसान किया, ये मंच बहुत समृद्धशाली है, जहाँ पर एक बूथ अध्यक्ष ढूंढे नहीं मिलता था अन्य दिनों में, आज बहुत समृद्धशाली मंच है। लेकिन भूख अभी जारी है, स्टार्टर में जो पनीर के पकौड़े खिला दोगे तो मेन कोर्स में तो फिर कुछ ना कुछ शाही पनीर, खोया पनीर की हम लोग उम्मीद करते हैं। इसलिए मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी का यह आभार प्रकट करना चाहूँगा कि
बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया है। अद्भुत जी, एससी कमीशन का दर्जा था, वो संबंध संवैधानिक दर्जा था, वो संबंध कर सकता था, वारंट निकाल सकता था, डीजीपी को बुला सकता था। बैकवर्ड कमीशन दंतहीन और शक्तिहीन था। क्या प्रजापति समाज की लड़की मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए दूसरे के खेत में मिट्टी लेती है, क्या उसके साथ कुछ नहीं होता है? बल्कि सूर्य कास्ट की कई क्रीमी लेयर की जातियों से अति एमबीसी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस दर्द को महसूस किया और एक बार मैं 16 ओबीसी के बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री जी से मिलवाया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखो, मैं समझा के नहीं जाता। मैंने कहा सर मैं आपके सामने पूछना चाहता हूँ कि बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन कौन है, जस्टिस ईश्वरप्पा का नाम एक भी ले पाया। जैसे ही मैंने पूछा कि एससी कमीशन का कौन है, पीएल पूनिया का नाम बैकवर्ड के लोगों ने बताया, क्योंकि पूनिया कोई ज्यादा योग्य या हमारा कमीशन अयोग्य नहीं था। हमारा कमीशन दंतहीन और शक्तिहीन था, वो कमीशन में ताकत थी। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद कि बैकवर्ड की स्टैंडिंग कमेटी को बनाने का काम किया। जो हम अपने बच्चों को पीटर्स मैट्रिक चावल जाटी जी जी गोविंदा जीपीएस सिंधिया सेल बोर्ड और नैनीताल जो पढ़ा सकते हैं वो क्रीमी लेयर में फंसते हैं। आप भी तो उसी वर्ग से हो, अब आपका बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप एमएलए हो चुके हैं। जो चुंगी के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग जो पीटर्स मैट्रिक चावल जाटी में पढ़ाना चाहते हैं, 3 मिलियन को 6 लाख से पढ़ाकर प्रधानमंत्री जी ने 8 लाख करने का काम किया। मेरी तरफ से मैं उनको आभार प्रकट करना चाहूँगा। इसी प्रकार से 27% आरक्षण अभी MBBS में, जनरल में, UG में, PG में, सचिव स्कूल में प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। और उसी के साथ राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया है संविधान में संशोधन करके कि शैक्षिक को सामाजिक रूप से किसी जातियों को पिछड़े में समझते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा पिछड़ों एक बहुत बड़ा उपकार है। अपना जिक्र ना करूँ तो कि भाषण अधूरा रहेगा। 400 सीटों पर रहते हैं, 80 लोकसभाओं पर रहते हैं, मंत्री MP पहले भी बन चुके हैं, सब पर निगाह पड़ गई लेकिन समाज पर निगाह नहीं पड़ी। अंत्योदय, हम जनसंघ से यहाँ तक अंत्योदय पे आए हैं। अंत्योदय की परिभाषा थी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने उसको खिलखिलाहट में बदल दिया है कि अंतिम पायदान पर खड़ी हुई कोई ऐसी जातियाँ जो आज तक किसी भवन, रेल भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, शास्त्री भवन में नहीं जा पाई थी, उनको केंद्र सरकार ने 27 लोगों को मंत्री बनाकर राजनीतिक अंत्योदय करने का काम किया है। किसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं बस ये आपकी दो बातों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इंटरव्यू समाप्त कर दिया। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा काम क्या है, लोग हो सकता है लोग कहें मंगल ग्रह पर जाना, भाकर नाकर दान, नहीं। देश बड़ा है, यूथ सबसे ज़्यादा है, बेरोजगार है, केंद्र सरकार में नॉन मिनिस्टर की सभी नौकरियां समाप्त है, सभी इंटरव्यू समाप्त। मुख्यमंत्री जी सौभाग्य उस कैबिनेट में मैं था, आप भी थे, इंटरव्यू समाप्त किए। एक बच्चे ने पूछा अंकल इतना इंटरव्यू समाप्त होने पे क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा अपने बाप से पूछना, हम हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट को पॉलीथिन में मढ़वा के रखते थे, रोजगार कार्यालय का रोज चक्कर काटते थे, साइकिल से जाते थे और लिखित परीक्षा पास करते थे, बाप पे नोट नहीं होते थे और बिरादरी पे बड़ा नेता नहीं होता था, इसलिए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और मायावती की दी जाने कीजिए और आपकी जनता न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जन अदालत न्यूज पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।